ये हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं नई दिल्ली के प्रगति मैदान से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोग वहां पे मौजूद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं। अजय, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अब फीता काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की विधिवत अब शुरुआत कर दी है। अगर मैं इस 5G सर्विस की बात करूं और इसकी खूबियों की बात करूं, विशेषताओं की बात करूं, हमारे जो दर्शक हैं उनकी समझ के लिए अजय आप बता सकते हैं? अजय आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम अजय से संपर्क स्थापित करेंगे, लेकिन आप ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भी तमाम लोग मौजूद, और एक लंबे इंतजार के बाद देश में आज से 5G सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, दिल्ली के प्रगति मैदान में इस बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां से अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री 5G सेवाओं की शुरुआत करने वाले हैं। 1 अक्टूबर से, यानी कि आज से लेकर 4 दिनों तक 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हो रही है। और सबकी नजरें आज 5G सर्विस पर होंगी, क्योंकि बीते दिनों IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा था कि देश में 5G को धीरे धीरे अलग अलग फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज के लिए कुछ शहरों का चयन किया गया है जहां सबसे पहले 5G सर्विस लॉन्च होगा, और प्रधानमंत्री इस वक्त जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके साथ बातचीत करते हुए उनसे वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन ऑपरेटर्स के जरिए 5G सर्विस की शुरुआत होगी। और जैसा कि हमने कहा कि बीते दिनों ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा था कि पहले फेज में देश के 13 शहर जहां की 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत की जाएगी, उन 13 शहरों, हम आपको जानकारी दे दें, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। आप इन तस्वीरों में जियो की सर्विस को देख सकते हैं और तमाम जो बारीकियां हैं उनको जियो के अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाते हुए कि किस तरह से ये 5G सर्विस, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी सर्विस के तौर पर माना जा रहा है, एक रिवॉल्यूशनरी सर्विस होगी जिसके ज़रिए आज तक हम जो एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं 2G, 3G, 4G, उससे कहीं ज़्यादा ये फास्ट, और इसकी जो तमाम जो खूबियाँ हम आपको आगे बताएंगे। और केंद्रीय मंत्री की तरफ से, अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह भी कहा गया कि अगले 2 से 3 वर्षों में 5G सर्विस देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी कीमत जो है वो कम रहे। हम जानते हैं कि हमारा जो दूरसंचार उद्योग है वो 5G सेवाओं के विस्तार के लिए शहरी और साथ साथ ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और पहले फेज के बाद छोटे शहरों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहिए क्योंकि आज बहुत सारी अहम जानकारी आपको मिलने वाली है। हम आपको बताएं, 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता उपभोक्ता, और हमारे देश में 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट के जो कंज्यूमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनके साथ भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक तीव्र गति से वृद्धि करते हुए वैश्विक बाजारों में से एक है।
यहाँ पे हमने जैसे बताया आपको 117 करोड़ से अधिक दूर संचार उपयोगकर्ता हैं और 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट ग्राहकों के साथ वैश्विक बाजार में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला, वृद्धि करने वाला भारत एक है। और एक संस्था है मैकिन्से, उन्होंने 2019 में एक अध्ययन किया था और उसके मुताबिक भारत दूसरी सबसे अधिक तीव्र गति से डिजिटलीकरण करने वाली इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी शुरुआत हो चुकी है और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 5G सर्विस की भी शुरुआत करने वाले हैं। 5G पांचवी पीढ़ी का एक मोबाइल नेटवर्क है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में 1G, फिर 2G, फिर 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस ये एक मानक है 5G। 5G के जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम हैं उसमें जो इंटरनेट की जो स्पीड है उसकी गति का परीक्षण 20 गीगाबाइट प्रति सेकेंड के रूप में किया गया। आप समझ सकते हैं कितने स्पीड इसकी गति होगी 5G में। 20 GBPS के रूप में इसका परीक्षण किया गया है। अगर इसी के मुकाबले 4G सर्विस की बात करें तो अधिकांश मामलों में 4G में जो अधिकतम इंटरनेट की डेटा की स्पीड है वो 1 GBPS दर्ज की गई है। तो 4G में हम और आप इन दिनों 1 GBPS की स्पीड को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन 5G सर्विस के आ जाने के बाद से हम 20 गुना ज़्यादा स्पीड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, 20 GBPS गीगाबाइट प्रति सेकंड के स्पीड में हमें वो सुविधा मिल पाएगी। दूरसंचार क्रांति के लिहाज से आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और न सिर्फ दूरसंचार के लिहाज से बल्कि इसके और क्या कुछ यूजेस हैं। हम जानते हैं कि इन दिनों इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का ज़माना है, चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है और इस क्रांति में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ साथ ये जो 5G तकनीक है, प्रधानमंत्री इसका एक्सपीरियंस करते हुए इस सर्विस का, 5G सर्विस का, और इनका प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए या फिर क्लाउड की बात की जाए, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस 5G सर्विस का उपयोग किया जाएगा, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, मोबाइल बैंकिंग की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में डिफेंस की बात हो, फिनटेक कंपनियों की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे पहले जो हमारे उद्योग जगत हैं वो इस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे और उसके बाद आम जनता के लिए इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इस 5G सर्विस का, गवर्नमेंट द्वारा ही एक पैनल नियुक्त किया गया था और उस 2018 की बात है ये, और उस पैनल ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के मुताबिक 5G सर्विस से साल 2035 तक भारत में $1 ट्रिलियन का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो पैदा होने की संभावना है, ये उम्मीद जाहिर की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, हम 5G सर्विस की बात कर रहे हैं लेकिन पहली पीढ़ी से 1G से लेकर पांचवी पीढ़ी तक का विकास भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा।
वनजी सर्विस की बात की जाए तो वनजी सर्विस साल 1980 के दशक में इसे लॉन्च किया गया था और ये एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और केवल वॉइस कॉल को ही समर्थन करता था। फिर 1990 के दशक में 2G सर्विस को लॉन्च किया गया जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 KBPS के बैंडविड्थ के साथ वॉइस को भी और डेटा को भी ट्रांसमिट करने में ये इसको सपोर्ट करता है 2G सर्विस। फिर ज़माना आया 3G सर्विस का। 2000 के दशक में 1 MBPS से 2 MBPS की गति के साथ इसे लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉइस की बात हो, वीडियो कॉल की बात हो, कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, इन तमाम क्षमताओं के साथ 3G सर्विस की शुरुआत हुई थी। फिर साल 2009 में 100 MBPS से 1 GBPS की जो एक पीक स्पीड हम कहें, उस पीक स्पीड के साथ 4G सर्विस को लॉन्च किया गया था और इसकी तमाम खूबियों के साथ साथ 4G सर्विस में, जिसका कि हम और आप इन दिनों इसका उपयोग कर रहे हैं, ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। 5G सर्विसेज में तमाम ये कुछ तकनीकी बातें हैं। अलग अलग बैंड्स होते हैं, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड स्पेक्ट्रम, और हम जानते हैं कि पिछले दिनों ही जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी और उससे पहले जो तमाम कंपनियां हैं वो उसमें शामिल हुए थे। मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस की बात की जाए तो हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के अलावा 5G मोबाइल तकनीक, वर्चुअल रियलिटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे जो इमर्सिव सेवाएं हैं उसकी वो शुरुआत कर सकती है, जिसमें कि बहुत ही फास्ट, समान डेटा दर और बहुत ही कम समय में और कम लागत में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सामान्यतया ये कहा जा रहा है कि 5G का उपयोग 3 मुख्य प्रकार की कनेक्टेड सेवाओं में किया जाएगा, जिनमें हमारे जो उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड हैं वो हो गए, महत्वपूर्ण संचार मिशन और बड़े पैमाने पर IoT इसमें शामिल है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। आगे की राह इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आती है, अब जबकि आज से इस सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, डोमेस्टिक 5G प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मतलब देश को, खासकर भारत में 5G का जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए, उसको साकार करने के लिए स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को बहुत ही अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की ज़रूरत आने वाले दिनों में महसूस होगी। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी अंतर को भी कम करना ये भी एक चुनौती होगी कि कैसे हम सबसे पहले शहरी इलाकों में और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में इसकी जल्द से जल्द इसकी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ये सहायक साबित हो सके। आज का दिन बहुत ही क्रांतिकारी दिन टेली कम्युनिकेशन के लिहाज से, 5G सर्विस आज पूरे देश में प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। एक लंबे इंतज़ार के बाद इसकी आज शुरुआत होने वाली है। ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली के प्रगति मैदान से आप देख पा रहे हैं, जो तमाम ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से इस सर्विस को आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, ये प्रधानमंत्री को समझाते हुए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम चीज़ों को
वो समझ रहे हैं और हमें भी समझाने की कोशिश अब करेंगे। अजय, हम जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम जो ऑपरेटर्स हैं असीम, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो डीओटी की है और सी डॉट की है। सी डॉट ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन बनाया है, किसी भी जगह अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो वो सीधे डीडी न्यूज, अगर कोई देख रहा है, देखिए आपके पीछे डीडी न्यूज ही चल रहा है, डीडी न्यूज जैसे ही कोई देख रहा है तो उसके उसकी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे तुरंत एक डिजास्टर का एक मैसेज फ्लैश हो जाएगा कि आपके इलाके में यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने वाली है या फिर यहाँ पर तूफान आने वाला है, आप जल्दी से जल्दी किसी जगह पे चले जाएं। ऐसे ही फ्लैशेज जो हैं वो आरएएन रेडियो नेटवर्क के जरिए रेडियो पे चले जाएंगे, कोई भी प्रोग्राम चलता रहेगा उसके बीच में ये घोषणा आ जाएगी कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर कोई समस्या आने वाली, डिजास्टर आने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाए। और मोबाइल के जरिए मोबाइल पे लोगों को फ्लैश चले जाएगा। तो सी डॉट की जो टेक्नोलॉजी है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाई गई है, सी डॉट द्वारा विकसित स्वदेशी 5G कोर, ये जो 5G कोर का उद्घाटन किया गया है वो अभी मैं आपको बताऊं कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए किया गया है, और सीधे ऑल इंडिया रेडियो, आपके डीडी न्यूज और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और जितने मोबाइल्स हैं जो कनेक्टेड हैं उनके तुरंत उनके मोबाइल पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के ये पूरा का पूरा जो मैसेज है वो फ्लैश हो जाएगा। और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन इस वक्त प्रधानमंत्री के सामने किया जा रहा है कि कैसे मोबाइल के जरिए डिजास्टर की जो तकनीक है, जो डिजास्टर के बारे में कोई भी जानकारी है, आपने देखा कि कोविड के दौरान कैसे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया और इंफॉर्मेशन के जरिए ही हमारे देश को कोविड प्रोटोकॉल के जरिए समझाया गया कि कैसे हमें बचना है। ऐसे ही किसी भी तरह की जो एक्सीजेंसी या इमरजेंसी होती है डिजास्टर को लेकर के, उसमें किसी को भी कोई भी अगर मैसेज देना हो सरकार को तो बहुत ही आसानी से मोबाइल पे, बहुत ही आसानी से टेलीविजन स्क्रीन पे, बहुत ही आसानी से रेडियो सेट्स पे वो इंफॉर्मेशन जो है वो तुरंत पहुंच जाएगी। तो ये सी डॉट की एक इंडिजिनियस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और वही इकोसिस्टम जो है उसी इकोसिस्टम को इस वक्त समझाया जा रहा है जो कि और जो ये भारत की शक्ति भी है। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ बातचीत की है और स्टार्टअप्स भी यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस पूरे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है और जो 5G को लेकर के वो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही साइड में जो सोल्यूशंस दे रहे हैं उस पर उन्होंने ब्रीफ लिया। और आपको ये बताऊं कि मैं जो मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है वो कैसे डिफेंस, रेलवेज जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कैसे काम कर रही है, जिसमें आप बाहर की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं कर सकते कि किसी भी हार्डवेयर में कौन सा इन्फॉर्मेशन आपकी बाहर लीक हो रही है। तो ऐसे में जो भारत की टेक्नोलॉजी है, भारत के ही लोग जिनको सर्टिफिकेशन स्पेशल तौर पर DRDO द्वारा दिया जाता है कि फुल्ली सिक्योर्ड है और किसी भी रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ही 5G से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे जो संबंधित इक्विपमेंट्स हैं पूरा का पूरा जो नेटवर्क तैयार किया जाता है और जो या जो जो कोर है उस पर किया जाए। ये सी डॉट में आप देखिए कितना ज्यादा वक्त प्रधानमंत्री बिता रहे हैं, अभी तक जितने स्टॉल से उन्होंने 1 मिनट से भी ज्यादा वक्त नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर ये चूंकि भारत की अपनी इंडिजिनियस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है जिस पर लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो जो फोकस है सरकार का, किस तरह से जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए कैसे सरकार क्विक और त्वरित तरीके से जब जरूरत है जनता को वहां तक पहुंच पाए, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा हूं। मैं बार बार कर रहा हूं जो आज सेवा की शुरुआत हो रही है सी डॉट के इस मंच के जरिए जिसकी प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत की, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसे भारत के जन जन तक हर एक व्यक्ति के मोबाइल तक कैसे इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंच पाए उसकी एक तैयारी है। इसके आगे चलते हुए भारत को विदेश की जो कंपनियां हैं उनके साथ भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको भी लेकर के आगे बढ़ना है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं जो तस्वीर आगे आगे जाकर के आप देख रहे हैं उसमें जो यूजर केस है, मैं आपको बार बार इस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसका यूजर केस जो है वो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज में दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में दिखाई दे रहा है, और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि कैसे 5G का इस्तेमाल हमारे आम जनजीवन के आम जीवन में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त एयरटेल के 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री और एग्रीकल्चर को लेकर के जो एयरटेल ने अपने सॉल्यूशंस पेश किए हैं जहां पर जो मॉनिटरिंग है इस वक्त आप देखें एग्रीकल्चर का सेक्शन जहां पर क्रॉप मॉनिटरिंग की जा सकती है, सॉयल हेल्थ की जो जांच है वो 5G टेक्नोलॉजी के जरिए की जा सकती है, मौसम की जानकारी किसानों को दी जा सकती है, समय रहते उनको जो डिसीजंस लेना हो और कैसे बेहतर हो पाए
बुआई का समय कब बेहतर होगा, कब बारिश की संभावना है, ये सब जो टेक्नोलॉजी है, ये एग्री सॉल्यूशंस जो एयरटेल का है, जो इस पर प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि कैसे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनके उनको बेहतर फैसले ले पाए उसके लिए कैसे इंफॉर्मेशन दी जाए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए, तो ये एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस जो हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री इसका अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें ये, और बता भी रहे हैं हमारे सहयोगी अजय किस तरह से 5G सर्विसेज का एग्रीकल्चर में तमाम, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर एग्रीकल्चर हो, तमाम क्षेत्रों में किस तरह से स्मार्ट फार्मिंग आप देख रहे हैं। स्मार्ट फार्मिंग, अजय अगर आप बता सके, स्मार्ट फार्मिंग में किस तरह से 5G का यूज किया जा सकता है? तो जो टेक्नोलॉजीज हैं स्मार्ट फार्मिंग में, उसका सबसे ज्यादा जो यूजर केस है इरिगेशन को लेकर होता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो सोल्यूशन है, सरकार का जो फोकस है उसमें, कितनी मात्रा में पानी दिया जाए, किस वक्त दिया जाए, वो बहुत सारे किसानों को पता नहीं होता, पानी का वेस्टेज होता है, उसके बाद में उनकी फसल भी खराब हो जाती है, उसका आउटपुट नहीं मिल पाता है, तो उनको काफी ज्यादा मुश्किलें भी होती हैं, फिर उनको इंश्योरेंस का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में आप कैसे स्मार्ट इरिगेशन करें, कैसे आप जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं, तो प्लांटेशन में अगर आप केवल एक सेंट्रल सिस्टम से सारे अपने प्लांट सिस्टम को जोड़ देते हैं, और केवल एक बार आपने एक घंटे के लिए पानी चलाया, तो उसमें जो मैन पावर की वेस्टेज होती है वो भी नहीं होगी, जो पानी की वेस्टेज होती है वो भी नहीं होगी, और आपको ज्यादा यील्ड मिलेगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि उसकी वही जरूरत थी। तो चीजों को समझना और समझ करके उसका एक इस्तेमाल करना। एग्रीकल्चर के बाद में जो सबसे ज्यादा यूजर केस दिखाई देगा वो है हेल्थ केयर, और अभी हेल्थ केयर में जो इस वक्त जो स्टॉल आपके सामने दिख रहा है वो हेल्थ केयर से संबंधित है, जिसमें गांव में एम्बुलेंस में क्रिटिकल जो जो सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, कैसे इन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे 5G का इस्तेमाल करते हुए कैसे गांव तक, कस्बों तक ये टेलीमेडिसिन की जो सुविधा है वो पहुंचाई जाए। इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो करीब करीब 50-60 लाख रुपए की एक बैंड है जिसको तैयार किया गया है 5G टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसमें अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको सीधे रिमोटली डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं की शुरुआत यहीं से कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतनी महंगी सेवाएं जो हैं वो गांव में कैसे जाएंगी, उसका भी एक सोल्यूशन यहीं पे दिया गया है, जिसमें एक लो कॉस्ट सोल्यूशन बनाने की कोशिश की गई है। एक छोटी सी वैन के जरिए ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे आप एक हॉस्पिटल कंट्रोल रूम क्रिएट कर सकते हैं छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में, जहां पर किसी को भी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की जरूरत हो। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो छोटे गांव में, अगर एक गांव की बात करें, तो महीने में केवल 5,000 रुपए से ये जो टेस्टिंग है उसकी शुरुआत हो सकती है। अगर आप पूरे जो 8-10 गांव का अगर आप पूरा कंसोर्सियम बनाएं, तो एक ही छोटी सी मोबाइल वैन जो है वो 8-10 गांव में घूम घूम करके जो लोगों को तुरंत जरूरत हो, ये देखिए, ये आपके पास जो मोबाइल क्लिनिक है, बहुत छोटा सा सोल्यूशन है ये, पूरा का पूरा जो उसकी कॉस्टिंग है वो 7-7.5 लाख की कॉस्टिंग आती है, जिसमें आप जो प्रधानमंत्री के राइट साइड में आपको एक ऑपरेटस दिख रहा है, वो जो माताएं होती हैं उनको, उनकी पल्स जब वो गर्भवती होती हैं उनकी स्थिति नापने के लिए है, मॉनिटर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा सिस्टम जो इस वक्त स्टेथोस्कोप है जो इन्होंने उठाया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली है, यहाँ पर अगर आप किसी भी मरीज को आप उनकी हार्ट बीट देखेंगे तो वो सीधे दूर बैठे किसी डॉक्टर को आराम से 5G लेटेंसी के जरिए तुरंत रियल टाइम में उनको सुनाई देगी। और खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी की जरूरत भी हुई, तो इसी वैन में, बहुत छोटे से वैन में, मारुति का एक छोटा सा वैन है, जिसमें आपको एक स्ट्रेचर मिलेगा और एक ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको सामने दिख रहा है, वहीं पर जो पेशेंट है उसको तुरंत ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करके और उसको पास के अस्पताल में ले जाया जा सकता है। तो ये बहुत ही छोटा सोल्यूशन है, जो कि जिसका एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी वाराणसी में के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीधे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, प्रधानमंत्री बात भी करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो कैसे छोटे गाँव में, कस्बों में इस तरह की जो टेलीमेडिसिन की सर्विसेज हैं उनको रोल आउट किया जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है पूरे रूरल इकोसिस्टम के लिए। तो एग्रीकल्चर और हेल्थ, और सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है बार बार प्रधानमंत्री जिस पर फोकस करते रहे हैं वो एजुकेशन। तो कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, किस तरह से हम मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए गाँव में कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो यूजर केस हैं, अलग अलग कंपनियां उन्हीं 4-5 क्षेत्रों में जो यूजर केस हैं और अपनी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा विकल्प हों, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढें जिनकी हम बात कर रहे हैं,
हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेके, और वही कुछ शोकेस करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अजय, बहुत ही महत्वपूर्ण, और जैसा कि हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट फार्मिंग की बात हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, एक तमाम स्मार्ट क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग है जो आप देख रहे हैं, रोबोटिक पावर लॉजिस्टिक्स, इसमें इंडस्ट्री 4.0 आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने जर्मनी में कहा था कि हम पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति को तो मिस कर गए, लेकिन जो चौथी औद्योगिक क्रांति आने वाली है, भारत उसका लीडर बन सकता है, जिसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल होगा, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होगा, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा, और इसी को शोकेस करने के लिए आज ये मोबाइल टेक्नोलॉजीज का रोल आउट किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक क्लाउड सिस्टम है, 5G एज क्लाउड सिस्टम बनाया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो चाहिए किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी स्टेक होल्डर को, तो वहां पर तेजी से पहुंचाई जा सकती है। एग्रीकल्चर का जो यूज केस है वो हम आपको दिखा चुके हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं वीआर बेस्ड जो एजुकेशन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो वेरिएबल्स हैं, जो प्रधानमंत्री ने अभी अपने अपने आंखों में लगाया था, उस तरह के अपरेटस का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। ये जो स्टॉल है वो क्वालकॉम का स्टॉल है, इस वक्त जो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, यहाँ से रिमोटली एक गाड़ी चलाई जा रही है, जो की स्वीडन में जहाँ हेडक्वार्टर है वहां पर वो गाड़ी चल रही है। इसका इस्तेमाल, जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे माइंस में या फिर हैजार्डियस प्लेस में करने के लिए होता है, जहां पर आदमी नहीं जा सकता या फिर उसको जाने में खतरा है, तो इस तरह से गाड़ियों के माध्यम से आप रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और यहां पर जो सज्जन गाड़ी चला रहे हैं वो सीधे क्वालकॉम के जो स्वीडन में हेडक्वार्टर है वहां पर एक यूजर केस बनाया गया है, जहां पर वो गाड़ी चल रही है। सिर्फ इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि आप कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से, किसी दूसरी जगह पे आप 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप ये गाड़ी चला सकते हैं, और अब प्रधानमंत्री स्वयं इसको टेस्ट करते हुए, तो यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है, और उस गाड़ी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और स्टेयरिंग, इस वक्त प्रधानमंत्री स्टेयरिंग पे बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड, और आप अब देखिए ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए, जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं, और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहाँ से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहां पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहां पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहां पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहां पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टोह लेने के लिए कि वहां पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहां पर एक्सप्लोसिव्स लगे हो सकते हैं, डिफेंस में इसका यूज केस हो सकता है कि कोई हमारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं उसका उनको कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री इस वक्त एरिक्सन के जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इंडस्ट्री 4.0 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, अब उसका एक डेमो दिया जाएगा। तो 5G टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि कैसे रिमोटली जो गाड़ी है उसको ऑपरेट किया गया, और अब ये फिलहाल अभी प्रधानमंत्री जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसको हम इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, इसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है हार्डवेयर को बनाने के लिए, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाना था, लेकिन समय की कमी की वजह से अब शायद अगले स्टॉल की तरफ प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 5G का लॉन्च होना है, $450 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, 2035 तक इंडिया के GDP में उसको कॉन्ट्रीब्यूट करना है, $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी होने जा रही है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो होने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत काफी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से, क्योंकि हम इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इस वक्त आप जो देख रहे हैं वहां पर एक कंसोर्शियम है
कंपनीज का, ये क्वालकॉम का जो क्वालकॉम का स्टॉल है जहां पर कई सारी कंपनीज, जिसमें कई सारी मेक इन इंडिया कंपनीज हैं, करीब 13 मेक इन इंडिया कंपनीज हैं जो कि अपने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं। और यहां पर न केवल हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर की दिशा में भी जो काम किया जा रहा है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। इस स्टॉल में कई सारे स्टार्टअप्स भी हैं जिनको क्वालकॉम ने हेल्प किया है। और इस वक्त जो 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 प्रधानमंत्री को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि कैसे जो इंडिजिनियस और मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजीज हैं स्टार्टअप्स के जरिए, ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि अपने आईओटी सॉल्यूशंस पर काम अपने काम को आगे प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिल्कुल अजय, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन 5G सर्विसेज को। और जैसे कि आपने बहुत बेहतरीन से बताया अजय, किस तरह से इसका यूजेस होगा आने वाले दिनों में जब ये पूरे देश में रोल आउट होगा इस 5G सर्विस का, चाहे वो फार्मिंग की बात हो, डिजास्टर की मैनेजमेंट की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, हमने देखा रोबोटिक पावर्ड लॉजिस्टिक्स की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विसेज का आने वाले दिनों में हम उपयोग देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने खुद भी, जैसा कि हमारे अजय बता रहे थे सहयोगी, वो खुद भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किस तरह से आप इन सेवाओं का उपयोग करके 5G का जो एक रिवॉल्यूशनरी तकनीक है, ये जो एक सर्विस है, उसका प्रधानमंत्री खुद अवलोकन करते हुए। अजय, अगर मैं IoT की बात करूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करूँ, यही सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तौर पे हम देखें, या फिर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि और भी IoT अलग अलग क्षेत्रों में घर से लेकर दफ्तर तक और बाकी जगहों पर भी हम इसको रोल आउट होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो रोबोटिक्स का अभी इस्तेमाल, अभी प्रधानमंत्री ने एक डेमो देखा कि किस तरह से आप रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यूजर केस है जो कि स्मार्ट मीटरिंग का है। आप जानते हैं कि पावर सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में करीब 20% बिजली ऐसी ही व्यर्थ चली जाती है जिसका कोई बिल पे नहीं करता है, यानी बिजली चोरी चली जाती है। ये पूरे राज्यों की समस्या है, पावर सेक्टर की समस्या है। लगातार सरकार को बहुत सारे पैकेजेस का ऐलान करना पड़ा है कि जिसमें जिसमें पावर सेक्टर की जो जो जिसको हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहते हैं, उसके लिए स्मार्ट मीटरिंग जो है वो सरकार पूरे देश में लागू करना चाह रही है, जिससे कि वो जो अनकनेक्टेड, जिसको आप कहते हैं कि अनऑथराइज्ड कनेक्शन के जरिए जो लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये क्वालकॉम ने स्मार्ट मीटरिंग को लेकर के भी जो सोल्यूशन है वो तैयार किया है और एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो पावर सेक्टर में जो T&D लॉसेज हैं, जिनको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज करते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है पावर सेक्टर की, उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो देश की समस्याएं हैं वो ग्रैंड समस्याएं बहुत ज्यादा नहीं है, उनको केवल आइडेंटिफाई करना और टेक्नोलॉजी के जरिए उनको एड्रेस करना, क्योंकि एजुकेशन की जो समस्या है वो क्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ एक ही जैसी समस्याएं भारत में दिखाई देंगी, गाँव में जहाँ पे अनकनेक्टेड जो एरियाज हैं। इसी तरह से किसानों को मोटे तौर पे एक ही तरह की जो समस्याएं आती हैं उनको कैसे हम टेक्नोलॉजिकली एक ही सोल्यूशन के जरिए कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं वो कोशिश की जा रही है। तो पावर सेक्टर में जो स्मार्ट मीटरिंग की बात है उसमें ज्यादा बिल ना आए लोगों को और लोग पावर की चोरी ना कर पाए, इसके लिए स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम मोबाइल के जरिए अपने अपने ऑपरेटर्स को बंद कर सकते हैं, जिसको आप IoT बोल रहे थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल रहे थे, कि हम कैसे मोबाइल के जरिए अपने घर का मान लीजिए स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, हम कैसे अपने दफ्तर में बैठे हुए उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, या फिर कैसे उसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे मशीन दूसरे मशीन से बात करेगी, इसको आप मशीन लर्निंग बोलते हैं, कि एक मशीनें एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरफेस नहीं है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो उनको पहले से कमांड दिया गया है उसको उसको फॉलो करते हुए डिसीजन ले रही हैं। तो मशीनों का आपस में जो बात करना है वो टेक्नोलॉजी के जरिए संभव हो पा रहा है और यही 5G का एक बड़ा यूजर केस है जो क्वालकॉम में अभी दिखाया गया कि कैसे भारत को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और कई सारी जो कंपनीज हैं वो एक ही कंपनी के साथ एक ही छत के तले कैसे वो उन अलग अलग सॉल्यूशंस पे काम कर रही हैं, इसमें स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना हो, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना हो, एक तरह से कोलैबोरेशंस जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद मैं कहूंगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट पवेलियन है आत्मनिर्भर भारत का पवेलियन, एक कंसोर्शियम है जिसमें 100 से ज्यादा जो मेक इन इंडिया कंपनीज हैं जो एक तरह से प्लेज ले चुकी हैं कि वो अपने भारत के लिए ही सॉल्यूशंस बनाएंगी, वो कहीं भी कोई भी जो इंपोर्ट है उनका 1% इंपोर्ट भी बाहर से नहीं किया जाएगा,
सारी की सारी टेक्नोलॉजी होगी वो भारत की होगी, इंडिजिनियस होगी, मेक इन इंडिया होगी। और ये कंसोर्शियम जो है वो आत्मनिर्भर भारत कंसोर्शियम वॉइस के नाम से है। इसमें अभी जो कंपनियां हैं करीब 23 कंपनियां शोकेस कर रही हैं कंप्लीटली मेक इन इंडिया इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स बनाने वाले। और यही प्रधानमंत्री को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये जो एसोसिएशन नया बनाया गया है और ये जनवरी में स्टार्ट किया गया है। आप ये सोचिए कि किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं 5G की 2018 से और आज वो जमीन पर आते ही दिखाई दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के केस में और आत्मनिर्भर भारत के इस कंसोर्शियम के रूप में, जहां पर 23 कंपनियां इस वक्त शोकेस कर रही हैं, 100 कंपनियां इस एसोसिएशन के तले आ चुकी हैं जिन्होंने ये प्लेज लिया है कि वो भारत की समस्याओं का समाधान देने के लिए अपने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी तरह का जीरो इंपोर्ट पर काम करेंगी। तो कंप्लीटली मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस को बनाने के लिए ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है प्रधानमंत्री का, वो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं और इसीलिए जो कॉम्पिटिशन पर लगातार फोकस करते रहे हैं प्रधानमंत्री की, किस तरह से प्रतिस्पर्धा रहे और प्रतिस्पर्धा का फायदा जो है वो ग्राहकों को मिलता है। ज्यादा कंपनियां सॉल्यूशंस पे काम करेंगी तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेकर के आएंगी। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो सॉल्यूशंस बाहर आपको $100 में मिलता है वो यहाँ पर कैसे $10 में दिया जाए, यानी 10 गुने कीमत से भी कम कैसे सॉल्यूशंस ले हम निकाल पाए। और यही भारत की खूबी रही है कि वो कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की जो कोशिश है वो की जाती है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का कंसोर्सियम वॉइस के जरिए वही एक्सप्लेन किया जा रहा है प्रधानमंत्री को कि कैसे कंपनियां जो जो भारत की टेक्नोलॉजीज हैं उनको यहाँ पर डेवलप करके कोशिश कर रहे हैं मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस देने की। और प्रधानमंत्री भी शायद यही बात उनको समझा रहे होंगे कि कैसे हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, कैसे डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, उन टेक्नोलॉजीज के लिए भारत को कैसे तैयार करना है जो इस वक्त भारत के समस्याओं के समाधान करने के लिए जरूरी है। और इसमें आत्मनिर्भर भारत जो है वो बहुत बड़ा फोकस नजर आ रहा है। जिस तरह से ये किया जाए, ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस है उसको एनकैप्सुलेट एंगेज एंड एक्सपीरियंस ए न्यू डिजिटल यूनिवर्स, तो आपको एक पूरा का पूरा डिजिटल यूनिवर्स नजर आ रहा है जिसमें हार्डवेयर सॉल्यूशंस भी हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने वाले सॉल्यूशंस भी हैं, जो रिमोट टेक्नोलॉजीज के जरिए जो एजुकेशन और हेल्थ की सर्विसेज पहुंचाने की बात हो, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन को कैसे जमीन पर लाया जाएगा उसका सोल्यूशन देना हो। प्रधानमंत्री इस वक्त रिमोटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया ही है, अपनी बात को पहुंचाने के लिए ही नहीं बल्कि जो सर्विसेज हैं उनको भी पहुंचाने के लिए, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको कैसे ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों तक पहुंचाया जाए वो सरकार का बड़ा एक फोकस, और उसमें कैसे 5G एक अहम भूमिका निभा सकता है उस पर ये फोकस नजर आ रहा है। यह पूरा का पूरा जो एग्जीबिशन हॉल है करीब 250 कंपनियां यहाँ पर बात कर रही हैं। और ये देखिए कैसे रिमोट एरियाज में कैसे आप कनेक्ट कर पाते हैं और कैसे आप तुरंत कम्युनिकेट कर पाते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री इस वक्त ले रहे हैं। माना ये जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स अपने अपने सॉल्यूशंस यहाँ पे दिखा रहे हैं, 5000 से ज्यादा डेलीगेट्स जो देश और विदेश से हैं वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को लेकर के आ रहे हैं, इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि यहाँ पर लोगों को आती हुई दिखाई देंगी। स्किल डेवलपमेंट और कोऑपरेशंस को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर फोकस देखने को मिल सकता है। एक तरह से कहेंगे ब्लॉकबस्टर टेलीकॉम इवेंट है जो कि नई टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए ये शोकेस किया गया है। 4 दिनों का ये जो एक्साइटिंग फेयर है कहें वो काफी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि दिवाली तक हमें हमारे देश में 5G सेवाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी और बहुत ज्यादा दिन नहीं है, केवल 25 तारीख का इंतजार करना और आपको कम से कम 4 मेट्रो में जियो की जो 5G सेवाएं हैं जैसा कि कंपनी ने ऐलान किया है वो आती हुई दिखाई दे जाएंगी। तो आप देखें कि जो 2018 से जो शुरुआत हुई थी जिसमें 5G टेस्ट बेड्स बनाए गए थे IITs और ISC बेंगलुरु में, वो कैसे 2020 में 5G हैकाथॉन के जरिए आइडिएशन तक पहुंचे, प्रोटोटाइप तक पहुंचे, उसके केस कैसे किया जाए, यूज केस कैसे तैयार किया जाए वो वहां तक पहुंचे, फिर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई 12 मंत्रालयों की कि उसका यूज केस कैसे बनाया जाए, लैब्स कैसे तैयार किए जाए, C.DOT को कहा गया कि आप 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाइए, RN पर काम कीजिए जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जय अनुसंधान, अगर मैं एक शब्द में इसको समेटने की कोशिश करूं तो जय अनुसंधान को जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बल दिया था उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन, जमीन पे डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि बात कह देना और बात को जमीन पर लाना
ये इसमें बहुत अंतर होता है, और कोई भी बात यूं ही नहीं कही जाती, उसको जमीन पर लाना भी होता है, और उसको जमीन पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपने देखा कि कैसे कल अहमदाबाद में जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो सर्विसेज थी उसका शोकेस करने के बाद अश्विनी वैष्णव जी किस तरह से टेलीकॉम जो पूरा इकोसिस्टम है उसको कैसे रिवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और यही कोशिश की जा रही है कि चाहे वो नीतियां हो चाहे वो जो लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट करना हो। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि 5G टेलीकॉम ऑक्शन किया गया, उसके बाद BSNL के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए करीब जो भारी भरकम पैकेज है कैबिनेट के द्वारा वो उसको मंजूरी दी गई, उसके बाद में टेलीकॉम के लिए जो टेलीकॉम बिल है उस पर काम के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया, डिजिटल इंडिया बिल पर सरकार लगातार काम कर रही है, डेटा सिक्योरिटी के जो नए कानून है उसको लेकर के सरकार काम कर रही है, और आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे यूजर केस और इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है वो उसका एक डेमोंस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री लगातार उस डेमो को देखते हुए कैसे मेक इन इंडिया का इस्तेमाल करते हुए आप कम्युनिकेशंस के जरिए कैसे आप एक साथ लोगों के साथ जुड़ करके जो अपनी बात है वो पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, और यही कोशिश की जा रही है कि 5G का इस्तेमाल करते हुए कैसे इसको और ज्यादा स्मूथ बनाया जाए ईज ऑफ डूइंग के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए। ये गुरुशाला वोडाफोन आइडिया का काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि एजुकेशन के लिए कोविड के दौरान जो एजुकेशन पहुंचाई गई गांव-गांव में वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहा, और कैसे ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में आप कैसे एजुकेशन हैम्पर ना होने पाए, कैसे आप टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को कनेक्ट रख सकते हैं, कैसे आप टीचर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे स्मूथ बना सकते हैं, वो एक यूजर एक्सपीरियंस कोरोना के दौरान हमें देखने को मिला, और ये गुरुशाला प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया का जिन्होंने खुद रोल आउट किया है और कोशिश कर रहे हैं बताने की कि कैसे वो टेली एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें गुरुशाला के जरिए जैसा कि अजय बता रहे हैं कि कोविड के दौरान जिस तरह से डिजिटल गैप को बहुत से छात्रों ने इसको एक्सपीरियंस किया वो ना हो आने वाले दिनों में, और बहुत आसानी से टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है वो पठन पाठन का जो कार्यक्रम है वो चलता रहे, सिमलेस हो, इसको लेकर 5G सर्विस इसमें क्या कुछ रोल प्ले कर सकता है इसको डेमोंस्ट्रेट कर किया जा रहा था और प्रधानमंत्री ने इसका एक्सपीरियंस किया। अजय, डेटा सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं 5G सर्विस के आने के बाद से, चूंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल भी हम जानते हैं कि उसको लेकर भी सरकार काम कर रही है, डेटा सिक्योरिटी डेटा ब्रिच ना हो इसको लेकर क्या कुछ उपाय किए जाएंगे? तो आप देखेंगे अगले 1 से 1.5 साल में पूरा का पूरा जो डिजिटल इंडिया सिस्टम है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, एक इकोसिस्टम के तौर पर आप कहें कि एक परफेक्ट इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा जिसमें कम्युनिकेशन को लेकर के डेटा सिक्योरिटी को लेकर के जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके रेगुलेशंस को लेकर के जो इस्तेमाल अभी आपने सुना होगा कि जो सिम कार्ड्स हैं उनको पहले से आपको जो IMEI नंबर होता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सरकार के पास में और उसके बाद ही आप यूज कर पाएंगे। तो जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कई सारे मल्टीपल सिम कार्ड का इस्तेमाल करती हैं कम्युनिकेशंस के लिए, तो उसको कैसे रोका जाए, इस तरह की जो चीजें हैं उनको उन पर लगातार सरकार काम करे। और इस वक्त देखिए हॉल खचाखच भरा हुआ और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री डायस पर होंगे जहां पर कई सारे जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जो कि 5G सर्विसेज रोल आउट करने जा रहे हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री का अपना जो विजन है 5G को लेकर के वो स्पष्ट तौर पर नजर आएगा, और साथ ही साथ जो राज्यों के कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी जुड़ेंगे इस पूरे इंडियन मोबाइल कांग्रेस के साथ, जहां पर जो आईटी मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के वो कैसे अपने अपने राज्य में कंडीशन माहौल बनाए इस पूरे डिजिटल इंडिया को जमीन पर लाने के लिए उसकी एक तैयारी जो है वो स्टेट लेवल के तौर पर भी हमें देखने को मिलेगी।